हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडीपी ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास फोर्थ सब्जेक्ट में चैप्टर टू एक्सप्रेशंस ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज 2.1 का वन एंड सेकंड क्वेश्चन आपने कर लिया था। क्वेश्चन थर्ड है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इसके अंदर ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू राइट करनी है। प्लेस वैल्यू राइट करने के लिए पहले हम स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं। वन, प्लेस वैल्यू ऑफ वन इन डिजिट। इस नंबर्स के अंदर हमें देखना है वन की प्लस वैल्यू। वन के बाद जितने भी डिजिट है उनको वन के बाद राइट करते हैं। वन वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इसकी प्लस वैल्यू, वन की प्लस वैल्यू ये हो गई। ऐसे सेम एज इस डिजिट की निकाल लिया तो इस टू की कितनी आएगी, सेम एज ऐसे इसी टू की निकाल लो कितनी आएगी, 40 आ जाएगा। और ऐसे ही फोर की कितनी आ जाएगी, फोर की प्लस वैल्यू कितनी होगी 4000, और एट की प्लस वैल्यू होगी ऐसे एट की हो जाएगी 800, और फाइव की प्लस वैल्यू हो जाएगी 50, और सेवन की प्लस वैल्यू हो जाएगी, सेवन की बात को डिजिट नहीं है तो सेवन का सेवन राइट हो जाएगा। सेम है जैसे ही इसके सभी पार्ट हमें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ जैसे प्लस वैल्यू की क्वालिटी हमें करनी है। और सिक्स क्वेश्चन अपने करते हैं, इसमें क्या करना है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करनी है नंबर्स के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने इसका ये नंबर्स गिवन है, नंबर से गिवन है क्वालिटी, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, प्लस वैल्यू की हेल्प से करेंगे। तो वन सेवन के बाद कितने डिजिट उतने जीरो लगा देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अब फोर के बाद कितनी है, फोर जीरो, और थ्री के बाद में थ्री जीरो, और टू के बाद में टू जीरो, और फिफ्टी और प्लस वन, ये प्लस वैल्यू क्वालिटी राइट करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। ऐसे ही क्वेश्चन को इसके जितने पार्ट हैं हमें इस टाइप से ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन, उसमें नंबर्स में ऐड करना है, दूसरे में इनवर्स में ऐड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास है एट, एट के अंदर क्या आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, और इसको राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐड करना है इसको, तो कैसे करेंगे इसको, पहले आप या तो इनका डायरेक्ट प्लस कर लो, प्लस करके चल जाएगा, या इसका नाइन के बाद कितने हैं नंबर्स, वन टू थ्री फोर फाइव टू आ जाएगा, या फोर थाउजेंड, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर थ्री, फिर फाइव, ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे भी ना करो तो आप प्लस कर दे लो, नाइन कितना ये, वन टू थ्री फोर फाइव, और इसके बाद में वन टू थ्री फोर फाइव, और वन टू थ्री फोर, वन सिक्स ज़ीरो, थ्री ज़ीरो, और फाइव, और फाइव, इसको प्लस करोगे तो ये आपके पास ये आएगा फाइव फाइव थ्री सिक्स फोर टू। इस टाइप से इनको प्लस करके भी आप उनको राइट कर सकते हो। तो इसका कैसे राइट होगा, फोर का फोर आ जाएगा, इसके बाद कितने जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो एट आ जाएगा फुल कम्प्लीट। इसके बाद में कितने हैं, एट के बाद कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, इसको प्लस करके देख लो अपने, वन टू कितनी जीरो, थ्री और थ्री, वन थ्री थ्री, और इसके बाद कितना है 80,000, कितने फाइव जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, इसके बाद फोर जीरो, थ्री थ्री जीरो सर, सेवेंटी और थ्री, थ्री आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, टू आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, एट आ जाएगा, और फोर आ जाएगा, फोर ज़ीरो टू ज़ीरो सेवन। इस टाइप से इसको हम प्लस करके राइट कर सकते हैं, प्लस करना होगा इस सबको, हम प्लस करके टाइप चेक करोगे तो आपको ये सी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इसके आपको सही पार्ट करनी है, क्वेश्चन वन से लेकर टू तक निकलवा दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट क्वेश्चन आपको नोटबुक करनी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।